सुबह हुई तेज बारिश के बाद डीएम ने किया शहर का निरीक्षण। जलभराव की समस्या के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और बिना मास्क के घूमते लोगों पर डाला गया जुर्माना। आज सुबह हुई 2 घंटे की तेज हवाओं के साथ बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं जगह जगह हुए जलभराव ने साफ सफाई व्यवस्था की पोल भी खोली। जहां एक तरफ तेज हवा के साथ हुई बारिश ने राहत दी और बच्चों को पानी में मौज मस्ती का मौका दिया, तो बिजली की कटौती और सड़कों, बाजारों व गलियों के अलावा घरों तक में पानी घुसने से कई घंटे आम जीवन अस्त व्यस्त रहा। हालांकि जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी अपने लाव लश्कर के साथ बारिश रुकने पर शहर की व्यवस्था का जायजा लेने निकले और जहां जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते व बिना मास्क के लोग घूमते मिले उन पर जुर्माना डाला गया और चेतावनी भी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि तेज बारिश के बाद कई जगह पानी खड़ा हुआ। कहा कोविड-19 संक्रमण महामारी के चलते लोगों को भी देखना था कि एहतियात बरत रहे हैं कि नहीं, मुंह ढकने का जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, किसी डर या जुर्माने के लिए नहीं, लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा करें, ये बहुत जरूरी है। कहा कि जहां जहां पानी खड़ा हुआ और दिक्कत हुई है वहां चिन्हित की गई है और ठीक कराई जाएंगी। औचक निरीक्षण हुआ है, इसको लेके क्या कहना? इसमें औचक निरीक्षण इसलिए कि आज बारिश हुई, कई जगह जल जमाव हुआ, एक तो उसको देखना था, दूसरे शहर में लोग एहतियात बरत रहे हैं और मुंह ढकने का जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं, किसी को दिखवा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है लोगों की सुरक्षा के लिए, किसी के डर से नहीं, जुर्माने के डर से नहीं, लोग अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा करें, बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, अभी जेल रोड पर हमने देखा जल भराव है, काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है पानी का, निरीक्षण किया जा रहा है और जहाँ जहाँ दिक्कत है उन सारी दिक्कतों की पहचान कर रहे हैं और बहुत शीघ्र सारी चीज़ों को हम दूर कर रहे हैं।